नमस्कार दोस्तों, वैसे कैसे हो आप? तो भाई स्वागत है आपको मेरे चैनल में। सो दोस्तों, पिछले गली भाई हमने अपने बाइक में जो भाई साइलेंसर अपग्रेड किया था, जो कि भाई हमने 220 का लगाया था। देन भाई आज बारी अपने फ्रंट सस्पेंशन की। चलिए भाई दिखाता हूँ आपको सबसे पहले। सो दोस्तों, ये रही अपनी बाइक्स। तो भाई ये अपनी 150 जिसमें भाई हमने पिछले गली साइलेंसर लगाया 220 का। देन भाई ये अपनी 220 फिलहाल भाई से हमने रियर डिस्क सेटअप और भाई अपना साइलेंसर सब कुछ निकाल दिया है। देन भाई आज बारी अपने शॉकर्स की। तो भाई अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 150 के शॉकर्स आप देख सकते हो भाई कितने पतले हैं। तो आज हम अपग्रेड करने वाले अपने 150 के शॉकर भाई 220 से। सो दोस्तों, अपने जो 220 वाले शॉकर थे 150 से भाई काफ़ी ज़्यादा चौड़े हैं। एंड भाई देखते हैं आज हमें इसको चेंज करने में क्या क्या दिक्कतें आएगी। तो भाई शॉकर रिप्लेस करने के लिए भाई मैं सबसे पहले आपको इजी स्टेप्स बता देता हूँ। तो भाई सबसे पहले हमें खोलने होंगे अपने शॉकर। और दोस्तों यहाँ पर अपना हैंडल है, तो इसके जो अपने कौन से टोला नट है भाई, सबसे पहले हम इसे निकालेंगे। देन भाई उसके बाद जाकर अपने जो साइड के यहाँ के दो नट्स है, एक यहाँ पर और एक उस साइड, वो खोलना है। देन उसके बाद भाई यहाँ पर है अपना 17 नंबर का नट, इसमें शायद भाई 14 है अपने 220 में 17 नंबर का है, तो फिलहाल चाहिए 14 नंबर का नट है। देन भाई अपने जो शॉकर जो बाहर आ जाएंगे। देन उसके बाद बात करते हैं 220 की। तो भाई 220 में भी सेम वैसे स्टेप्स है, ये रहा अपना कौन सा टोला नट, और भाई यहाँ पर है प्रॉपर एक नट और एक नट भाई उस साइड। देन उसके बाद जाकर भाई यहाँ पर है ऊपर भाई 17 नंबर का नट, तो भाई इसमें 17 नंबर का नट है। तो अपने जो शॉकर से भाई बाहर आ जाएंगे। देन भाई हम अपने जो हैंडल है वो भी यूज़ करने वाले हैं भाई 220 वाला, क्योंकि इसका पोस्चर आप देख सकते हो कैसा है। तो फिलहाल मैं बहुत ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। तो फिलहाल भाई आप इसकी पोजीशन देख सकते हो कैसी है। देन अब दिखाते हैं आपको भाई 150 की पोजीशन हैंडल की। तो भाई इसकी जो हैंडल की पोजीशन है आप देख सकते हो। तो चलो फिलहाल भाई आज का मौसम जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसलिए हमने अपनी जो लाल परी भाई वो बाहर नहीं निकाली, वो यहाँ पर रखी है अंदर रूम में। तो चलिए भाई करते हैं काम को स्टार्ट, देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आती है। मेरे हिसाब से भाई जो प्रॉब्लम आने वाली वो है कॉन्सेप्ट में, क्योंकि जो 150 का कॉन्सेप्ट है वो भाई अलग है 220 से, और मैंने भाई एक कॉन्सेप्ट पहले ही लेकर रखा है। तो चलिए देखते क्या होता है। तो सबसे पहले खोलते हैं भाई 220 के शॉकर्स, देन उसके बाद जाकर खोलेंगे हम भाई पल्सर 150 के। और इसमें भाई हमने हेडलाइट्स वगैरह भी निकालनी है, तो वो काम थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले खोलते हैं हम अपने टायर का नट, देन दोस्तों उसके बाद हम निकालेंगे अपने डिस्क ब्रेक कैलिपर। तो दोस्तों फिलहाल हमने टायर निकाल दिया था, फिलहाल हमने इसे फिर से वापस लगा लिया। तो भाई सबसे पहले हम खोलेंगे अपना हैंडल अपर टी, देन भाई उसके बाद अपने जो कॉन्सेप्ट वो ढीला करेंगे, उसके बाद जाकर भाई हम अपना टायर निकालेंगे, उसके बाद जाकर अपने जो शॉकर से भाई निकल जाएंगे हैंडल टी के साथ। तो दोस्तों फिलहाल हमने अपनी अपर टी निकाल दी है भाई विद हैंडल। देन भाई अब बारी अपने हैंडल टी को निकालने की। सबसे पहले हम निकालेंगे भाई अपने शॉकर। फाइनली दोस्तों हमने अपने जो फ्रंट शॉकर है 220 को निकाल दिया है। देन भाई अब बारी अपने 220 को पहले सेट करने की। से भाई अच्छे से हमें नीचे बैठाना होगा, तो इसके लिए कुछ करते हैं, देन उसके बाद करते हैं अपना हैंडल टी वाला काम। तो चलो दोस्तों काफ़ी मुश्किल से भाई हमने अपनी जो 220 सेट कर दी है फिलहाल, तो भाई हमने कुछ ऐसे सेट कर दिया यहाँ पर। अब बारी है भाई हैंडल टी को निकालने की। तो भाई वो रही अपनी हैंडल टी, इसको निकालते। सो दोस्तों 220 की हैंडल टी को खोलने के लिए भाई हमने ये वाली अपनी जो फ्रेम है अपनी फेयरिंग की, भाई इसे खोलना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये चीज़ यहाँ पर अटक रही है। तो अब बारी है भाई 220 की फेयरिंग को निकालने के लिए। उसके लिए भाई सामने वाले दो नट खोलने होंगे, देन भाई दो नट्स अपने यहाँ पर है ऊपर है, ये भी खोलने हैं। तो चलो भाई सबसे पहले इसकी फेयरिंग उतारते हैं, देन उसके बाद हम अपनी हैंडल टी को निकालेंगे। फिलहाल दोस्तों अपनी जो हैंडल टी है भाई वो निकल चुकी है, तो भाई काफ़ी टाइम लग गया इसको निकालने में। तो भाई वो रही अपनी फेयरिंग। सो दोस्तों अब बारी अपनी 150 की। तो भाई सबसे पहले इसकी फेयरिंग खोलनी होगी, देन भाई उसके बाद हम इसके हैंडल टी वगैरह खोल देंगे। सो फाइनली दोस्तों अपनी जो हेडलाइट है वो निकल चुकी है, देन भाई अब बारी है अपने हैंडल टी को निकालने की और अपने शॉकर्स को निकालने की। तो भाई हम सेम स्टेप करेंगे, सबसे पहले भाई हम अपने अपर हैंडल टी को खोलेंगे, देन दोस्तों उसके बाद जाकर हम अपने शॉकर्स और अपनी हैंडल टी को निकालेंगे। तो चलो
दोस्तों ये निकल गया इसका फ्रंट सेटअप कंप्लीट। भाई अब बारी है अपने 220 वाली हैंडल टी को लगाने का, तो भाई एक बार से फिट करके देखते हैं। फिलहाल भाई जो इसकी हैंडल टी है वो काफी पतली सी है, 220 की थोड़ी बहुत मोटी है, तो कॉन्सेप्ट भाई हमें जरूर चेंज करना होगा। चलो एक बार टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है अपना 220 वाला हैंडल टी, तो भाई चलिए करते हैं एक बार इंस्टॉल, चेक करते हैं भाई। भाई लोगों फिलहाल ये यहाँ से ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो अपने को जो भाई कॉन्सेप्ट करना होगा चेंज। चलो करते हैं कॉन्सेप्ट को चेंज। सो दोस्तों फिलहाल अपने जो प्रोजेक्ट में एक प्रॉब्लम आ गई है। सो दोस्तों जो इसकी हैंडल टी है पल्सर 220 की काफ़ी मोटी भाई है, इसमें नहीं जा रही है, और जो भाई इसका कॉन्सेप्ट है फिलहाल भाई वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। रीज़न बिंग दोस्तों इसकी जो चौड़ाई है काफ़ी ज़्यादा है, और नीचे जो यहाँ वाला पोर्शन है भाई इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। देन भाई अपने पल्सर 150 की चौड़ाई काफ़ी कम है, और यहाँ पर भी फिलहाल हम भाई अपने जो चेसी पर है भाई कोई अल्ट्रेशन नहीं करवाना चाहते, तो इस प्रोजेक्ट को भाई हम यहीं रोक देते हैं। ना ही भाई हम कॉन्सेप्ट के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, क्योंकि भाई हैंडलिंग के साथ खिलवाड़ करना काफ़ी रिस्की हो जाएगा। फिलहाल के दोस्तों प्रोजेक्ट को यहीं रोक देते हैं। देन भाई अपने जो पुराने शोकर भाई उनको फिट कर लेते हैं, फिलहाल के लिए आज यही होगा क्योंकि भाई बाकी कुछ कर नहीं सकते। फिलहाल के लिए भाई इसकी जो नीचे वाली गोलियाँ भाई वो सब गायब हो गई है, तो भाई नई गोलियाँ लानी पड़ेगी। तो चलते भाई करते हैं इसे वापस फिट। फिलहाल के लिए दोस्तों हमने भाई हैंडल लगा लिया है, देन भाई आगे का काम करेंगे हम कल, क्योंकि भाई आज काफ़ी थकान होगी और टाइम हो चुका है भाई 6:22। बाकी जो अपनी हेडलाइट बचती है भाई इसे हम कल फिट करेंगे, और साथ साथ भाई अपना जो एक क्लच योक भाई टूट गया है। तो दोस्तों ये जो क्लच योक है भाई अच्छी क्वालिटी का नहीं था, तो भाई ये फिटिंग करते करते टूट गया, तो बाकी जो काम है दोस्तों वो करेंगे हम कल। तो दोस्तों ये रहा अपना नेक्स्ट डे। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं अपने हेडलाइट को फिट, और साथ साथ भाई हम अपने जो क्लच योक है उसे भी चेंज करने वाले, और साथ ही साथ एक्सीलेटर वायर को भी चेंज करने वाले, क्योंकि भाई एक्सीलेटर वायर की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब है। चलिए भाई करते हैं अपने काम को स्टार्ट। तो भाई इसमें हम लगाएंगे अपना क्लच योक 220 वाला। तो दोस्तों अपना क्लच लीवर और एक्सीलेटर वायर भाई हमने लगा लिए। देन भाई अब बारी है अपनी हेडलाइट की, तो चलिए भाई अपनी हेडलाइट को इंस्टॉल करते हैं।